सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सब? सो फिलहाल मैं लेह सिटी में हूँ एंड यहाँ पे मैं एक हॉस्टल में रुका हूँ। सो आई नो आप में से बहुत सारे लोग क्यूरियस होंगे जानने में कि लद्दाख जाने के क्या प्रोटोकॉल्स है, आपको कोविड टेस्ट करानी है नहीं करानी है, आपको क्वारंटाइन होना है नहीं होना है, अगर क्वारंटाइन होना है तो कितने समय के लिए होना है। तो ये जो सारे डिटेल्स हैं मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो फिलहाल जो टेम्परेचर है यहाँ पे -10 डिग्रीज है। सो बोलने में मुझे थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, तो थोड़ा सा संभाल के दो। सो जो पहला सवाल है कि आपको लद्दाख आने के बाद क्वारंटीन होना है या नहीं होना है। सो अगर आप लद्दाख 7 दिन से ज़्यादा समय के लिए आ रहे हो तो ही आपको 14 डेज़ के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा। अगर आप 7 डेज से कम पीरियड के लिए आ रहे हो तो आपको क्वारंटीन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा यहाँ के सीधा होटल में स्टे करके आप घूम सकते हो, आपको कोई क्वारंटीन होने की ज़रूरत नहीं है। सो जो दूसरा सवाल है वो है कि एयरपोर्ट का क्या प्रोसेस है, एयरपोर्ट से चेक इन करने का चेकआउट करने का क्या प्रोसेस है। सो मैंने जो फ़्लाइट पकड़ी थी वॉज़ फ्रॉम मुंबई एयरपोर्ट। सो प्रोसेस ऐसा है कि एयरपोर्ट पे एंट्री करने से पहले आपको आरोग्य सेतु ऐप है वो आपको डाउनलोड करना पड़ता है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको जो है आपको वहाँ पे डाउनलोड करने के बाद ही आपको एंट्री मिलेगी इन द एयरपोर्ट। आपको कोई कोविड टेस्ट रिपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं है एट द एयरपोर्ट, ओके। सो जैसे आप एयरपोर्ट पे एंट्री करोगे उसके बाद का जो भी प्रोसेस है वो सेम है, जो मैंने ऑब्जर्व किया वो सेम था। ऐसा है नहीं कि कोविड आने से पहले सिचुएशन कुछ डिफरेंट थी है ना, अभी कुछ डिफरेंट ऐसा कुछ नहीं है। जो सारा चेक इन का जो भी प्रोसेस होता है वो सेम है, ओके। सो फ्लाइट में एंटर करने से पहले पीपीई किट दिया जाता है, वो आपको कंपलसरी पहनना पड़ता है इन द फ्लाइट। सो जैसे आप लद्दाख एयरपोर्ट पहुँचोगे वहाँ पे आपको कोविड रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा, और वो भी 48 आवर्स पहले का। अगर आपके पास कोविड रिपोर्ट नहीं है तो वहाँ पे आप कोविड टेस्ट करा सकते हो, आपका ज़्यादा से ज़्यादा आधा या 1 घंटा वेस्ट होगा। अगर आपके पास कोविड रिपोर्ट है नेगेटिव वाला तो आप सीधा होटल जा सकते हो। सो अगर आप कोविड टेस्ट वहाँ पे कराते हो एंड वहाँ पे अगर आपका पॉजिटिव आ जाता है तो आपको जो है 14 डेज़ का क्वारंटीन होना पड़ेगा वहाँ पे किसी भी होटल में जाके, तो वो एक इशू आ सकता है। सो इट्स बेटर कि आप कोविड टेस्ट पहले करा के ले लो ताकि यू वुड बी इन अ सेफर साइड, ओके। एंड जैसे आप लद्दाख पहुँचते हो तो आपके बहुत सारे डिटेल्स लिए जाते हैं, जैसे आपके एड्रेस डिटेल्स हो गए, आप कहाँ पे स्टे कर रहे हो, उस होटल का फ़ोन नंबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे डिटेल्स आपके एयरपोर्ट पर ले जाएंगे एट लेह एयरपोर्ट, ओके। उसके अलावा रिगार्डिंग द टूरिस्ट प्लेसेस, लद्दाख में सारे टूरिस्ट प्लेसेस जो है वो शुरू है, तो आपको उसके डरने की ज़रूरत नहीं है कि कोई प्लेस चालू है नहीं है। तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ ऑन लद्दाख इटिनरी, कि मैंने कौन से प्लेसेस विजिट किए, मुझे कितना खर्चा आया, टोटल मेरा बजट कितना था, एंड पैंगोंग लेक जाने के लिए कितना खर्चा आया, कार्तुंगा पास जाने के लिए कितना खर्चा आया, ये सारे जो डिटेल्स हैं ये मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो वो वीडियो में मैं डेफिनेटली पोस्ट करूँगा। सो होपफुली आपके जो बेसिक डाउट्स थे रिगार्डिंग क्वारंटीन एंड कोविड टेस्ट, ये आपके सारे डिटेल्स क्लियर हुए रहेंगे। मैं वापस आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्वारंटीन आपको तभी होना है जब आप 7 दिन से ज़्यादा समय के लिए लद्दाख आ रहे हो। दूसरा, आपको कोविड टेस्ट का कंपल्शन नहीं है, बट आप अगर कराते हो तो आपका 1 या 2 घंटा बच जाएगा लेह एयरपोर्ट। सो ये दो चीज़ें जो आपको ध्यान रखना है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट तो होपफुली आपके बेसिक डाउट्स क्लियर हुए रहेंगे। एंड आज का जो वीडियो है हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, एंड मैं आज जाने वाला हूँ घूमने के लिए लद्दाख। सो मैं अभी लोकल साइट सीन स्टार्ट करने वाला हूँ लद्दाख। सो आपको मिलते हैं, बाय।